नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक शातिर बदमाश घायल हो गया। वहीं घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार पकड़े गए बदमाश के पास से मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल सहित अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। साथ ही बदमाश पर डेढ़ दर्जन से ज्यादा लूट और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। वहीं आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 58 थाना पुलिस रूटीन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार बदमाश को धर दबोचा। वहीं पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति ने मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देकर सेक्टर 62 के डी पार्क की तरह फरार हुआ है, जिस पर पुलिस ने युवक की घेराबंदी की है। वहीं बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने भी बदमाश पर फायरिंग की। इस बीच बदमाश घायल हो गया। मामले को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया गया है। नोएडा से ताहिर सैफी की रिपोर्ट। ये सोनू उर्फ साबिर है, ये दादरी का रहने वाला है और इसके द्वारा अभी कुछ देर पहले सेक्टर 62 क्षेत्र में एक मोबाइल लूटा गया था, जिसकी सूचना मिली गई। इस पर घेराबंदी की गई और यहाँ 62 में ही डी पार्क के पास इसे घेरा गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए इसके द्वारा पुलिस से फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में घायल हुआ है और इसे गिरफ्तार किया गया है।